Hello everyone, we welcome you to another interesting episode of How to Ace the Hackathon. I, Arindam, on behalf of entire SIH team, welcome you to this interesting masterclass of hacking, the hackathon. Today we have with us one of our alumni who was also a winner of Smart India Hackathon 2022, Mr. Rajat. Without taking much of your time, let's welcome him and let's have a word or two with him. हाय रजत. हाय सर, थैंक यू. तो रजत, स्वागत है आपका इस शो पे. ये शो का प्लान कुछ ऐसा है कि जो हमारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो इस बार पहली बार स्मार्ट इंडिया हैकेथन के 6th एडिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है स्मार्ट इंडिया हैकेथन में, तो कहीं ना कहीं कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स उनको भी बताई जाए जिससे उनको ये हैकेथन का प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो. तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका स्मार्ट इंडिया हैकेथन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपका कौन से मिनिस्ट्री के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपका कॉम्पीट आप लोग ने किया था, और किस तरीके से आपका टीम फॉर्मेशन या बाकी की चीज़ें थी. तो अगर आप उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा हेल्प होगा. जी जी सर, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं बेसिकली UIT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हूँ. It is a college located in Haryana. तो जैसे आपने बताया कि हमारा experience कैसा था, team formation कैसे हुई, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि जैसे हमने सबसे पहले first year में participate किया था. actually मैंने तो उस time पे नहीं हो पाया था हमारा selection. तो it was कि अभी SIH तो करना है, ठीक है. फिर उसके बाद कोविड ईयर में वो नहीं हुआ. फिर जब मैं थर्ड ईयर में हुआ तो SIH 22 वाज डिक्लेयर्ड. तो उसमें टीम फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप अपने जो साथ के लोग हैं जिनके साथ आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, या आप जैसे अदर कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं. जैसे आप उनके साथ एक बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर सकते हैं, ठीक है. तो और टीम फॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए काम कर रहे हैं उसको उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली. तो आप ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं, आप अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, अपने बैचमेट्स को अप्रोच कर सकते हैं, और ऐसे आप एक अच्छी सी टीम जो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टैकल करने के लिए, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए सब जो चाहिए वो आप बना सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो इट वाज ट्रूली इनवैल्यूएबल, क्योंकि इसमें ऐसा था कि हमने इतना कुछ सीखा. क्योंकि जैसे हमने इवन मैंने पिछले सारे कॉलेज टाइम में भी नहीं सीखा जितना मैंने ये 4-5 महीने के अंदर सीखा. क्योंकि ये क्या करता है, आपको एक रियल प्रोडक्ट बिल्डिंग माइंडसेट में काम करने के लिए आपको फोर्स करता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करो जो रियली इम्प्लीमेंटेबल हो, ठीक है. इसके अलावा ये होता है कि जैसे पहले टीम फॉर्मेशन हमने करी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने ऐसे चूज करी थी कि हमने जैसे सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के गो थ्रू करते हैं एक एक के, और उसमें से कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देखते हैं कि हाँ ये कुछ हमें लग रहा है कि वी कैन सॉल्व इट. और इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी रहता है कि आप कौन सी डोमेन से हो. बेसिकली आई एम फ्रॉम डेटा साइंस, मैं डेटा साइंस प्रेफर करता हूँ, मैं डेटा साइंस में काम करता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ, और करंटली भी आई एम वर्किंग एज ए डेटा साइंटिस्ट. एंड SIH की उसमें काफ़ी मैं मानता हूँ कि कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उससे उस टाइम पे मैंने जो लर्न किया वो मेरे इंटरव्यूज में, मेरे जॉब में हेल्प करता है मुझे. तो फर्स्टली जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें एक मशीन लर्निंग के काफ़ी बड़ा रोल था. तो एज आई वॉज ए लीड, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते टाइम मैंने वो एक फैक्टर देखा उसमें. तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो जो जरूरतें थी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जरूरत थी, वेब डेवलपमेंट की, तो उसके हिसाब से मैंने स्टूडेंट्स को अप्रोच किया. तो ऐसे मैंने एक टीम बनाई. उसके बाद वी वर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल लेवल. जैसे ये हमारा था बैंगलोर के अंदर, वी आर फ्रॉम हरियाणा, तो इट इज ये काफी दूर है इससे. तो ट्रैवलिंग एंड ऑल, यू लर्न ए लोट बेसिकली, क्योंकि आप मान लीजिए पहली बार इतना दूर ट्रैवल कर रहे हो, आप यू ट्रैवल विद योर फैमिली, बट
दिस टाइम यू आर ट्रेवलिंग विद योर मेंटर और योर लाइक योर क्लासमेट्स, योर टीममेट्स, ठीक है? तो वो भी एक काफी लर्निंग का अच्छा पार्ट होता है कि आप कोऑर्डिनेशन सीखते हो दूसरों के साथ। और दूसरा टेक्निकली तो लाइक आप सीखते ही हो टेक्निकली। रजत, आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने पूरा बोला, जैसे टीम वर्क सीखते हो, कोऑर्डिनेशन सीखते हो, हाउ टू वर्क इन अ टीम, जो मेन आपका पॉइंट रहा, इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा, जब आप नोडल सेंटर पहुंचे, जब ग्रैंड फिनाले में पहुंचे हैं आप, तब क्योंकि एवेल्युएटर्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, तो क्या ऐसी लर्निंग रही आपकी उनके साथ, क्योंकि कुछ मेंटरिंग सेशन होते हैं, कुछ एवेल्युएशन सेशन होते हैं, तो इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द लीडर्स, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे ही डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, तो उसका अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा इजी रहेगा समझने में. हाँ ये सर मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट होते हो, ठीक है, आप नोडल सेंटर पे पहुंच जाते हो। इसके बाद आपका वो 36 आवर्स वाला चीज शुरू होती है। बेसिकली आपका पहले वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको तो स्पेस अलॉट होता है, फिर आप कोडिंग शुरू करते हो। बेसिकली आप अपना काम शुरू करते हो, ठीक है। उसपे मतलब उसमें उस टाइम पे हमारे पास 6 राउंड्स होते थे। बेसिकली 3 मेंटरिंग राउंड होते थे, 3 इवेल्युएशन राउंड होते थे, ठीक है। उसमें ये होता है कि मान लीजिए आप जाते हो, आप कुछ ना कुछ सोच के जाते हो, ठीक है, आप कोई सोल्यूशन सोच के जाते हो। बेसिकली कुछ मॉड्यूल्स पे आप काम करके जाते हो, मॉड्यूल्स आपने कुछ बनाए होते हैं, बट वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। मान लीजिए पहले आपको मेंटर्स आते हैं, वो सुनते हैं आपको कि आपने क्या सोचा हुआ है, आप कैसे काम कर रहे हो उसके ऊपर। फिर वो आपको रियलाइज कराते हैं कि ये चीज को ऐसे करना चाहिए था। दूसरा ये भी मैंने देखा है कि जैसे इवेल्युएटर्स होते हैं, वो आपको हर तरह से टेस्ट करते हैं। वो आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो डेवलप किया है वो लाइक फिजिबल है, वो तो टेस्ट करते ही हैं उसको टेक्निकली, उसको पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। आप मतलब आपका कैसे काम कर रहा है, कितनी एक्यूरेसी है सोल्यूशन की, वो सब चेक होता है। इसके अलावा मेनली वो आपका वो भी चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो आप अपने सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो वो एक सबसे बेस्ट पार्ट होता है। वो आपको थोड़ा सा ऐसा भटकाने की भी कोशिश करेंगे कि नहीं ये आपने कैसे कर दिया, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको बैलेंस रख के चलना होता है कि आपको उनसे इनपुट भी लेना होता है और आपको अपनी अपने पॉइंट्स भी प्रूव करने होते हैं, ठीक है। तो वो जो लीडर्स के साथ इंटरेक्शन होता है लाइक वो एक काफी अलग लेवल का होता है। वो आपको हर तरह से टेस्ट करते हैं और आपको अगर आप उस टेस्टिंग में लाइक पास हो जाते हो तो लाइक यू आर ए विनर बेसिकली। काफ़ी सही कहा आपने कि ये सिर्फ सल्यूशन बेस्ड हैकेथन नहीं है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन एन ओवरऑल आपका कैसा प्रेजेंटेशन है, कैसा आप अपने प्रोडक्ट को लेके कितना कॉन्फिडेंट हैं, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस हैकेथन. अच्छा रजत, सक्सेस की तो सब बातें करते हैं, मैं स्पेशली आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसी गलतियाँ जो शायद आपके टाइम में हुई हों आपसे या आपकी टीम से, और जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं इस बार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि वो खासकर ध्यान रखें कि ये गलतियां ना हों, या इन इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, तो वो क्या होंगी? हाँ सर, गलतियां तो चलो होती हैं, पर लाइक अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि आप एक तो जो प्रीवियस एसआईएच, जैसे आप किसी कॉलेज से होते हैं, आपको प्रीवियसली कोई ना कोई एसआईएच पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक हर साल एसआईएच ऑर्गेनाइज होता है, तो आप उनको कॉन्टेक्ट जरूर करें, ठीक है। आप लाइक आप या तो उनको मेंटर बना सकते हैं, मान लीजिए वो आपके एलुमनाई है, नहीं तो आप उनके कांटेक्ट में जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो काफी हेल्प करता है। लाइक हमारे केस में भी जो हमारे इवन मेंटर थे वो भी एक एसआईएच एलुमनाई और विनर रह चुके थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये तो आप रखें कि आप किसी एसआईएच एलुमनाई से कांटेक्ट में रहें, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। दूसरा ये होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि लास्ट में सारा काम करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये करना होता है कि आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट काफी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। मान लीजिए आप कोई सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, जनरली ये होता है कि आपको डेवलप तो वहीं पे करना होता है, बट आप कुछ मॉड्यूल्स तो पहले से तैयार करके लेके जाते हैं, ठीक है। हर चीज ऑन द साइट डेवलप करना पॉसिबल नहीं होता,
आप कुछ अपना बेस सॉल्यूशन तैयार करके लेके जाते हैं, फिर उसको वहां पे आप जो इनपुट्स मिलते हैं मेंटर से, इवेल्युएटर से, उसके बेस पे आप उसको इंटीग्रेट करते हैं वो सबको। तो आप ये ध्यान रखें कि जो नेसेसरी मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो पहले से ही आप बना के रखें। इसके अलावा उनके सजेशंस को काफी ध्यान से सुने, क्योंकि वो एक काफी मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप वही नहीं करेंगे तो इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्यूअर्स, जैसे आपने सुना कि लास्ट तक का इंतज़ार ना करें, आपके जो भी मॉड्यूल्स हैं आप स्टार्टिंग से ही उस पर काम करें, आप डिवाइड कर लें उनको फेजेस में, ताकि लास्ट में जो 36 आवर्स हो, आप फाइनल प्रोडक्ट आपके एवेल्युएटर्स या जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन पे उनको शो कर सके वर्किंग मॉड्यूल में। सो रजत, आई थिंक आपने बहुत, हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था, इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे और दूसरा अपने सॉल्यूशन के को लेके स्टार्टिंग में, लाइक आप लास्ट में तो ज्यादा नहीं कर सकते चेंजेस, आप स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबल रहे, आप लोगों के साथ डिस्कस करें, आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, आप अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करें, आप अपने बैचमेट्स के साथ डिस्कस करें, एलुमनाइज के साथ, जो भी आपको जो आप जानते हैं इंडस्ट्री में, आप अपने सोल्यूशन को डिस्कस करें और उनकी इनपुट्स के ऊपर काम करें। तो वो मैं एक काफी मानता हूँ कि वो एक काफी हेल्प किया हमें इस अच्छा विनिंग सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए। थैंक यू। सो रजत, ख़त्म करने के पहले इस टॉक शो को, मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा, आपकी सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस अगर पूरे इस हैकेथन के दौरान पूछा जाए तो वो क्या होगा आपके लिए? अच्छा सर, वैसे तो इस हैकाथॉन में काफी सारी ऐसे चीजें हुई जो अभी तक याद है, मतलब काफी एक मेमोरेबल बना। बट एक मैं बताऊं तो ट्रैवलिंग वाज वेरी मेमोरेबल फॉर अस, लाइक क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जैसे टीम तो बना लेते हो, पर जैसे मान ली गर्ल कैंडिडेट भी होते हैं, तो लाइक उनको सब एक टीम को मेरे लिए लेके जाना, लाइक वो मेरे लिए काफी ऐसा पार्ट था कि काफी एक मुश्किल भी हुआ था मेरे को। बट फिर फाइनली मेरे को ये हुआ कि मैंने पूरी टीम को लेके गया मैं, तो जी वो लेके जाने वाला पार्ट मेरे लिए एक वो जी था मेमोरेबल। जी दूसरा वहां पे भी जैसे नोडल सेंटर के ऊपर एक हम को मेंटर थे वहां पे, तो लाइक उनको काफी हमारा सोल्यूशन पसंद आया था, और उन्होंने लाइक वो हमें इवन लाइक ड्रॉप करने तक भी आए थे जब हम वापिस आ रहे थे रेलवे स्टेशन तक, जी तो उनके साथ एक काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई हमारी, जो वहाँ पे एक्सपर्ट थे मेंटर थे, तो जी वो एक काफी अच्छा लगा हमें। बिल्कुल सही कहा। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ जाता है जब आप पूरी एक टीम को लीड करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और उसके बाद आप एक विनर डिक्लेयर होते हैं, तो दैट एक्सपीरियंस इज़ ऑफ कोर्स मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ऑल्सो जो हमारा हैकेथन का इंटेंशन रहता है कि सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट डेवलपिंग अ सोल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग नेटवर्क्स। तो ये बहुत एक अच्छा आपका माध्यम बन जाता है जहाँ पे आप डायरेक्टली, जब आप कॉलेज में होते हो शायद आपका उतना कनेक्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट से नहीं होता, पर ये स्मार्ट इंडिया हैकेथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कनेक्ट करने के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी देता है। तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल बहुत लोग ये चीज़ को अभी नहीं समझ पाएंगे, पर ऑफ कोर्स जब हैकेथन में जाएंगे तो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ का। तो रजत, थैंक यू वेरी मच, आप अपना टाइम निकाल के आए और अपने नए एस्पिरेंट्स को इतना गाइड किया। वी विश यू आपके आगे फ्यूचर में जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम एंटायर स्मार्ट इंडिया हैकेथन फैमिली, एंड होप कि हम आपसे आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच रजत। थैंक यू सर, एंड थैंक यू द एंटायर टीम एसआईएच में पार्टिसिपेट किया हमने, और इससे हमें इतना कुछ सीखने को मिला। दूसरा आपने अभी हम कनेक्ट हुए, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो व्यूअर्स, दैट वॉज रजत फॉर यू। आई एम श्योर आपने उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा, और कहीं ना कहीं इस एक्सपीरियंस को आप अपने जर्नी में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, और होपफुली कहीं ना कहीं आप भी SIH 2023 के विनर्स हो सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल पे बने रहें, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।